सिवनी मालवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 25 जुलाई को कृषि उपज मंडी में लाडली बहना सम्मेलन एवं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर रविवार को जिला पंचायत सीईओ सुजन रावत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी पहुँचे तैयारियों का निरीक्षण किया। रविवार को जिला पंचायत सीईओ एवं एएसपी ने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाएं, हेलीपैड, मंच व्यवस्था, मंच संचालन, पार्किंग, वाहन सेक्टर, बैरिकेडिंग, विद्युत आपूर्ति आदि का बारीकी से निरीक्षण कर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में बताया कि कार्यक्रम में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग बैठेंगे। 3,000 के हिसाब से सेक्टर बनेंगे, जिसमें प्रत्येक सेक्टर में लगभग 4 लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। महिला दीर्घा में महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगेगी, जिनका कार्य सभी को बैठाना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। पीएचई विभाग के द्वारा कार्यक्रम में आए सभी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय कोटवार वन विभाग कर्मचारी के साथ ही पटवारी, महिला बाल विकास विभाग, जन अभियान परिषद के वॉलेंटियर लगाए जाएंगे, जिसकी व्यवस्था तहसीलदार ललित सोनी के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले आवेदनों को लेने के लिए आवेदनों को सेक्टर में ही कलेक्ट किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 25 जुलाई को सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाला कार्यक्रमों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे तक पहुंचेंगे, कुसुम्मा विद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे। वे जन दर्शन कार्यक्रम करते हुए कृषि उपज मंडी पहुंचेंगे। लगभग 262 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। देखिए 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन विकास पर और सिवनी मालवा विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। उनका समय जो है लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में रहेगा यहाँ पर। आज उसी कार्यक्रम की तैयारियों के लिए हमने सारे जो जिला अधिकारी जिनको हमने ड्यूटियाँ सौंपी हुई है उनके साथ में और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ में आज बैठक हुई है और ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। हेलीपैड से उतरेंगे, जो कुसुम जो हमारा कॉलेज है उसका हेलीपैड वहां से होकर और शहर में उनका जनदर्शन का कार्यक्रम भी रहेगा। तो इसमें लोगों को धन्यवाद और जो हमारी कई सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर, सामाजिक संगठन है, उनके वो उनका स्वागत भी करना चाहेंगे। तो जनदर्शन कार्यक्रम करते हुए फिर मंडी स्थित मुख्य जो हमारा कार्यक्रम है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और मूल जो हमारा कार्यक्रम है वो लाडली बहना सम्मेलन ही है, तो इससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियाँ यहाँ पर रहेंगी। लगभग 262 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा, जिसमें जो बड़ा हमारा एक फ्लाईओवर है, ब्रिज जो है धर्मकुंडी वाला, उसका लोकार्पण भी यहाँ पर होगा और विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न समूह है, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें धन्यवाद भी रहेगा। तो ओवरऑल लगभग सारी तैयारी हमारी हो चुकी है और कल का दिन हमारे पास शेष है, परसों का कार्यक्रम रहेगा।